चुड़ैल को देखकर श्यामलाल डर से थर थर कांपने लगा था और चुड़ैल के वार करने से पहले ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा क्योंकि आज का वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट बना दिया, थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, ठीक है। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो ना तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। सो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये वाला एनिमेशन सिखाऊंगा जिसमें हमारा कैरेक्टर जो है वो डर से कांपते हुए आपको दिखेगा। और एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे देता हूं, अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है ना तो आप लोग सबसे पहले ड्रॉइंग कार्टून 2 के अदर क्लासेस को देख लो। ड्रॉइंग कार्टून 2 का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप लोग उन वीडियोस को देख के फिर इस तरीके का एनिमेशन बनाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो मैं टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मैं आ चुका हूँ ड्रॉइंग कार्टून 2 एप्लीकेशन पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले न्यू कार्टून पे क्लिक करूंगा। एक्चुअली में देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो आप लोग को इतना तो आइडिया लग गया होगा कैरेक्टर वगैरह किस तरीके से बनाना है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो हमारा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है ड्राइंग कार्टून 2 का, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना और क्लासेस वगैरह देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड को HD रेडी कर दिया। अब मैं जंगल पे जाऊंगा, कस्टम आइटम पे जाके अपने कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड करूंगा। और पिछले वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि ड्रॉइंग कार्टून 2 का अनलिमिटेड स्लॉट अगर आपको चाहिए ना तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी एडमिन से बात करो, वो लोग आपको दे देंगे, ठीक है। तो आज का एनिमेशन थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आईस ऐड करने वाला हूँ और आप लोगों से ना कुछ कुछ गलती होती है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जब आप लोग किसी भी इमेज को ऐड करोगे आप लोग इतना ज्यादा जूम मत करना, इतना जूम करोगे तो फटेगा ना ये, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इमेज को जूम कर करके नहीं देखना है क्योंकि वीडियो बनने के बाद उसका क्वालिटी एनहेंस हो जाता है, ठीक है, HD में ही बनता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज, हमारा कैरेक्टर डरा हुआ है, जब वो डरा हुआ होता है तो उसके आईज के जो पुतलियां होते हैं ना आईबॉल वो छोटे हो जाते हैं और बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से सेट होते हैं, ठीक है। तो इसे देखकर आप लोग अच्छे से आईज वगैरह बना लेना क्योंकि एक होता है ना डरने से एक एक्सप्रेशन चेंज होता है तो उसमें आईज भी चेंज होता है। यहाँ पे देखो एयर ब्रोस भी चेंज होता है बट मैंने यहाँ पे एयर ब्रोस चेंज नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि हम इसे जितना ज़्यादा परफेक्ट बनाने जाएंगे ना उतना ज़्यादा ये टाइम लेगा और इतना टाइम आपको एक कैरेक्टर पर नहीं देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने आईज को ऐड कर दिया। अब मेरे पास माउथ है तो माउथ भी मैंने बनाना सिखाया हुआ है, इस तरीके से आपको माउथ मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ना माउथ, तो ये वाला खुला हुआ मुंह जो रहता है ना ये एक्सप्रेशन है डर का, ठीक है, हमारा कैरेक्टर डर रहा है। तो इस माउथ को भी मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ, देन आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे माउथ को भी ऐड कर लिया है दोस्तों। अब देखना कैरेक्टर का बॉडी मूवमेंट किस तरीके से मैं करता हूँ जब कैरेक्टर डरा हुआ होता है, ठीक है। और आज जो मैं की फ्रेम वगैरह यूज़ करूंगा इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि धीरे धीरे मैं और भी ज़्यादा एडवांस में जा रहा हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले अगर हमारा कैरेक्टर डरा हुआ है तो उसका बॉडी मूवमेंट किस तरीके से आपको रखना होगा, बॉडी का जो पोजिशन है उसे किस तरीके से रखना होगा वो देख लो। इस तरीके से आपको बॉडी रखना है फ्रेम 1 पे, ठीक है। अब फ्रेम नंबर 2 पे हम आएंगे और यहाँ से बॉडी जो है ना इसके बॉडी को ये जो गले के पास आपको पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट से बॉडी को पीछे करेंगे। सबसे पहले आपको बॉडी को ही छेड़ना है, ठीक है, बॉडी को पीछे करना है, हैंड को ओपन करना है, दोनों हैंड को बाहर की ओर करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा मत कर देना। फिर देन हम क्या करेंगे फ्रेम नंबर 3 ऐड नहीं करेंगे, ये जो फ्रेम नंबर 1 है ना इसे ही हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि हो सकता है अगर हम फ्रेम 3 को ऐड करें तो उतना एक्यूरेट ना बने, इसलिए हम फ्रेम 1 पे आएंगे, एडिट फ्रेम पे क्लिक करके कॉपी करेंगे, देन फ्रेम 2 में आएंगे, देन पेस्ट कर देंगे, तो इससे फ्रेम 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो फ्रेम 1 है वही फ्रेम 3 बन के ऐड हो चुका है। अब हमें सेम प्रोसेस दोबारा से करना है, इसके लिए हम फ्रेम 2 पे आएंगे और फ्रेम 2 को यहाँ पे एडिट फ्रेम पे क्लिक करेंगे और इससे कॉपी कर लेंगे, देन हम फ्रेम 3 में आएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे तो फ्रेम 4 बन के आ जाएगा। अब किसी के मन में सवाल होगा भैया आपने फ्रेम 1 एंड 2 को ही कॉपी करके क्यों पेस्ट नहीं किया, इसलिए नहीं किया ना, दो फ्रेम को आप कॉपी नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 4 फ्रेम चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेम 3, ये रहा फ्रेम 4 हमारा, यहाँ पे हमने 4 फ्रेम को ऐड कर दिया। अब इसी पॉइंट पे हम डबल टैप करेंगे ना ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे डबल टैप करना है तो ये सिलेक्ट हो चुका है, देन एडिट फ्रेम पे आके हम कॉपी करेंगे और जितना लंबा आपको क्लिप बनाना है ना उस हिसाब से आप पेस्ट कर देना, जितनी बार आप पेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका फ्रेम ऐड होते जाएगा। देन अगेन हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो आप लोग देख पाओगे टोटल जो हमारा फ्रेम ऐड हुआ है ना 24 फ्रेम ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो फ्रेम नंबर 1 एंड यहाँ पे फ्रेम 24 तक ऐड हुआ है। देखो मैं प्ले करके दिखाता हूँ, अगर आपको कैरेक्टर को सिर्फ डराना है ना, देखो ये जोर जोर से सांस ले रहा है ऐसा दिख रहा है ना, अगर ये डराना है तो इतना कर सकते हो, मान लो डर के उसे हार्ट अटैक आया और वो गिर गया, ठीक है,
उस तरीके से अगर आपको बनाना, यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत आपको करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आई ब्लिंक ऐड करते हैं फ्रेम नंबर 6 पे। आइस के किसी भी पॉइंट पे टैप करके एडिट यूनिट पे जाके आंखों को बंद करेंगे। देन अगेन 12 पे, अभी हम 6 के मल्टीपल पे आंख को बंद कर रहे हैं, ठीक है। देन अगेन 18 पे हम आंखों को बंद करेंगे। देन लास्ट 24 पे हम आंखों को बंद कर देंगे। पहले देखो मैं 4-4 के मल्टीपल पे करता था, आज 6 पे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस क्लिप के स्पीड को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं इसे जो है ना 6-6 के मल्टीपल पे कर रहा हूँ। अब इतना होने के बाद दोस्तों, अगर आपको हार्ट अटैक वाला सीन दिखाना है ना, तो आप क्या करोगे, फ्रेम नंबर 25 यहाँ पे ऐड करोगे। यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऐड किया है। अब ये जो लेफ्ट हैंड है, इसे हम दिल के पास लाएंगे इस तरीके से। एक ही हैंड को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो कैरेक्टर का बॉडी है ना, इसे थोड़ा सा आगे की ओर करेंगे। एनिमेशन जब भी आप लोग बनाओगे ना, आप लोग अपने दिमाग में ये इसे सोचना, जब इंसान रिएक्ट करेगा, जब भी कोई भी सिचुएशन होगा वो रिएक्ट करेगा, बॉडी मूवमेंट किस तरीके का होगा, बस उसी तरीके का बॉडी मूवमेंट आपको रखना है, सिंपल है, ठीक है। देन मैंने फ्रेम नंबर 26 यहाँ पे ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी को पीछे की ओर करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम बॉडी को इधर नहीं, ये गले के पास वाले पॉइंट पे पकड़ के हम बॉडी को इस तरीके से मोड़ेंगे पीछे की ओर, और पैरों को स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा बैंड कर देना, देन पैरों को स्ट्रेट करना। इससे ऐसा लगेगा ना, जो कैरेक्टर पीछे की ओर जा रहा है। देन अगेन हम फ्रेम नंबर 27 लगाएंगे, पहले 26 में कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम फ्रेम नंबर 27 लगाएंगे, इसमें हम बॉडी को और थोड़ा सा पीछे की ओर करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो पैर है ना उसे हमें स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और ये हैंड जो है, हैंड पे उतना फोकस मत करो, ये बाद में ठीक कर दूंगा मैं। क्योंकि अभी आपने देखा ना, ये हैंड पंप जो है ना, हाथ का जो हथेली है, ये बॉडी के ऊपर आ रहा था, तो इसे बाद में ठीक कर देंगे, ठीक है। ये 27 फ्रेम हो गया। 28 फ्रेम में हमें कैरेक्टर को इस तरीके से रोटेट करके, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना एरो, इससे हमें कैरेक्टर को रोटेट करना है, ब्लू वाले से इसके पोजीशन को चेंज करना है, और इसे इस तरीके से सुला देना है, ठीक है। जमीन में हमें सुला देना है। अब देखो, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो जमीन तो है नहीं, वाइट पेपर है, तो ये आप लोग एज्यूम करो कि यहाँ पे जमीन होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो हाथ के हथेली को मैंने किस तरीके से मोड़ के पीछे किया है, इस तरीके से कर लेना। और बॉडी को ऐसे रखना ना, जो ये जमीन है और जमीन में हमारा कैरेक्टर लेटा हुआ है, मतलब गिर चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये बनाते हुए भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट पेपर है और हमें जमीन को जो है ना एज्यूम करना होता है, तो पर्सपेक्टिव व्यू आपको रखना होगा, तभी आप कर पाओगे अच्छे से। नहीं तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, तो आप लोग एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना, जो जमीन वाला बैकग्राउंड होता है वो ऐड कर लेना, देन आप लोग उसके हिसाब से करना, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो मैं पैरों को किस तरीके से सेट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिस हो चुका है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। आप बनाओगे बाद में आपको पता चलेगा, अभी नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। अब मैं इसे प्ले करता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ तक तो सही था, जब हमारा कैरेक्टर जो ये जोर जोर से सांस ले रहा था, अभी हार्ट अटैक आने के बाद ना, ये जब नीचे जाएगा ना, इसके पैरों को देखना, ठीक है। इसके पैरों को देखो इस तरीके से, देख रहे हो स्क्रीन से बाहर हो चुका है, तो इस चीज़ को ठीक करना है हमें। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस तरीके से इसे ठीक किया जाए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, जब मेरे साथ हुआ था, मुझे भी इसे ठीक करने में बहुत टाइम लग गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो दिख नहीं रहा ऐसा कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि वाइट स्क्रीन है ना, उसलिए हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर आप एक एक करके फ्रेम जो है उसे चेक करोगे, तो आप देख पाओगे पैर तो नीचे गया नहीं है, बट वीडियो में ऐसा हो रहा है कि पैर फ्रेम से बाहर जा रहा है। तो वो किस लिए जा रहा है पता है, ये सुलाने के पोजीशन के वजह से जा रहा है, क्योंकि वाइट स्क्रीन है ना, हमें ग्राउंड नहीं दिख रहा है। तो हम डायरेक्टली फ्रेम नंबर 28 पे आएंगे और कैरेक्टर को जो है यहाँ से उठा के थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ग्रीन स्क्रीन ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में आके ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ। और देखो दोस्तों, ये सब प्रोसेस मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये मैं बहुत बार आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो बिगिनर है उनको प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। ड्रॉइंग कार्टून 2 के नेम से आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा। और एक चीज़, ये जो एनिमेशन है ना, ये क्रोमा टून वाले भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, क्रोमा टून वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर देता हूँ, देन इस कैरेक्टर को आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको सेट करना है, ताकि ये जो है ना पैर जो आपको दिख रहा था नीचे की ओर आ रहा है, फ्रेम से बाहर जा रहा है, वो बाहर ना जाए। तो यहाँ पे फ्रेम नंबर 28 में हमें चेंजेस करना है, बाकी फ्रेम जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रेम नंबर 28 में हम आएंगे, किसी भी पॉइंट पे टैप करके अपने कैरेक्टर को ऊपर की ओर उठाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर की ओर रखना है। इसके बाद से अगर हम वीडियो को प्ले करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, इस पोजीशन पे आप लोग देखना, ये देख रहे हो पैर
थोड़ा सा ही नीचे गया, उतना से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी हम थोड़े कैरेक्टर को ना और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अगेन प्ले करके देख रहा हूँ, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे जो है कैरेक्टर का पैर अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, ठीक है। अभी इसे हमें रिकॉर्ड करना है, लेकिन इससे पहले हम अपने कैरेक्टर के पोजीशन को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इसके पैरों को थोड़ा सा लेफ्ट की ओर लाएंगे। अब देखो फ्रेम नंबर 28 तक तो ये लेटा है, अचानक से वीडियो खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम 35 तक फ्रेम ऐड करेंगे, जिससे ये लेटा हुआ पोजीशन भी थोड़ी देर के लिए वीडियो में चलता रहे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हम वीडियो को प्ले करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करेंगे और यहाँ पे टैप करते ही वीडियो प्ले हो जाएगा, और स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करके हम वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। हमें स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करना है, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, HD क्वालिटी का रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे क्लिप को हम एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमें इसी कैरेक्टर का एक स्क्रीनशॉट लेना है, इसी पोजीशन पे मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा, आप लोग भी ले लेना। इसके बाद दोस्तों हमें जाना है IBIS पेंट एप्लीकेशन पे, यहाँ पे माई गैलरी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से नीचे प्लस पे हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे एनिमेशन दिखेगा आपको, 1:1 का एक कैनवास ले लेना है, ठीक है, इस तरीके का 640 का कैनवास आपको एक ले लेना है। इसके बाद हम लेयर पे जाएंगे और जो व्हाइट कैनवास है इसे ब्लैक कर देंगे, देन यहाँ से कलर फिल करेंगे, इसे पूरी तरीके से ब्लैक कर देना है आपको, ठीक है। देन आपको अगेन लेयर पे जाना है और कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था उसे ऐड करना है। अब बहुत ज़्यादा जूम मत कर देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट को मैं जिस पोजिशन पर ऐड करूँगा ना, नीचे का पार्ट खाली छोड़ के ऊपर इस तरीके से ऐड कर देना, ठीक है, ज़्यादा जूम मत करना। इसके बाद इसके ओपेसिटी को हमें कम करना है और प्लस पे क्लिक करके अलग सा लेयर लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट करेंगे और ब्रश पे आके एक ब्रश से मैं आपको दिखाता हूँ, डीप एंड हार्ड नाम से एक ब्रश है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से डीप एंड हार्ड नाम से जो ब्रश है इसे सिलेक्ट कर लेना, देन यहाँ से फोर्स फेड को एनेबल कर देना, और जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से आप लोग भी ड्रॉ करोगे, ठीक है। देखो आप नॉर्मली अपने कैरेक्टर को जैसा हमने बनाया ना उस तरीके से आप बना के यूज कर सकते हो फियर के लिए, ठीक है, डर के लिए, लेकिन इस तरीके से अगर आप वाइब्रेशन का जो इफेक्ट होता है वो अगर आप दिखाओगे ना, तो वो एनिमेशन देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बहुत सारे एनिमेशन में या फिर कह सकते हैं बहुत सारे कार्टून वीडियो या फिर जो कॉमिक वगैरह होता है ना उसमें आपको इस तरीके से वाइब्रेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस बॉडी जिस तरीके से है ना, बॉडी के आसपास आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग जो धनुष होता है ना उस तरीके से आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, एक बार मैं किस तरीके से कर रहा हूँ देख लो, बहुत सिंपल बहुत आसान है। बाकी देखो ये बहुत कम टाइम के अंदर बनने वाली चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जो आपने ड्राइंग कार्टून 2 में बनाया ना उस तरीके से भी आप डर का माहौल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने एक लेयर पे पूरा का पूरा इसे क्रिएट कर लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो एक लेयर पे हमने क्रिएट कर लिया, अब इसे चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो बॉडी के साथ या फिर वैसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसी लेयर पे हमें टैप करके इसका डुप्लीकेट बना लेना है, ये हमने डुप्लीकेट बना लिया, अब प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर हमें लेना है, यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और एक अलग सा लेयर लूंगा, ठीक है। अब जो हमने न्यू लेयर लिया उस लेयर में हमें पुराने वाले जो व्हाइट कलर का इफेक्ट हमने बनाया ना उसके ऊपर हमें इस तरीके से फिर से बनाना है, और इस बार छोटा बनाना है, ठीक है, पिछले वाले से छोटा बनाना है। तो इस तरीके से सभी के ऊपर मैं बना लेता हूँ, देन आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अब इतना होने के बाद दोस्तों ध्यान से देखना, सेकंड वाले फ्रेम में मैं क्लिक करूंगा और सेकंड वाले फ्रेम में जो पहले वाले फ्रेम का हमने कॉपी किया था ना 3 नंबर लेयर, इसे मैं हाइड कर दूंगा और जो इमेज है जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था उसे भी हाइड कर दूंगा, सिर्फ ये रह जाएगा। सेम इसी तरीके से फर्स्ट फ्रेम में हम क्या करेंगे, जो इमेज है उसे हाइड करेंगे तो सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता इसलिए मैं सिर्फ इमेज ले लूंगा यहाँ से, ठीक है। देख रही हो ना, पहले में ये बड़ा है दूसरे में छोटा है, इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब पहले वाले जो इमेज है इस पे हम आएंगे, इसे सेव करेंगे इमेज को, सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG करके भी आप सेव कर सकते हो या फिर आप JPEG में भी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही जो इमेज है दोनों को ही मैं सेव कर लूंगा। अब नीचे आपको बहुत सारे और भी फ्रेम देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक कलर में, है ना, तो ये कुछ नहीं है, इसे मैंने अलग तरीके से बनाने की कोशिश की थी बट वहाँ टाइम ज्यादा लग रहा था। इसके बाद दोस्तों आपको EZ GIF Maker नाम से एप्लीकेशन है, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको पिक्चर टू GIF नाम का ऑप्शन दिखेगा, इधर पे आपको क्लिक करना है, एक एक करके दोनों इमेज को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। देन यहाँ से मैं प्ले करूंगा तो आप लोग देख पाओगे ये कुछ ज्यादा स्पीड में है, तो हमें स्पीड पे क्लिक करना है और इसके स्पीड को कम करना है। तो यहाँ पे देखो मैं अपने हिसाब से स्पीड जो है 0.06 रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो स्पीड है ना ये बेटर लगा है 0.06। इसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना है, ठीक है।
आपको यहाँ से क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन दोनों को हाई करके सेव कर लेना है, देन हम चलेंगे अपने काइनमास्टर पे, देन आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पे। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, जब हमारा कैरेक्टर मतलब गिरेगा, जमीन में गिरेगा, उस टाइम पे इसका मूवमेंट चेंज होगा, बॉडी का पोजीशन चेंज होगा। तो हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे, एक कट लगा के की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। एक हमने कट लगाया, अब ये देखो पीछे जा रहा है ना, ये देख रहे हो उसके बॉडी को ऊपर हवा में तैर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, की फ्रेम लगाएंगे, इधर की लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, इधर पे आके एक की लॉक लगाएंगे, ठीक है, लगा के कैरेक्टर को जो है थोड़ा सा पीछे की ओर कर देंगे। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और की लॉक लगाएंगे, लगाने के बाद कैरेक्टर को जमीन के पास लेके आ जाएंगे, ठीक है, मतलब जमीन में टच करा देंगे उसके बॉडी को। इसके बाद आप प्ले करोगे तो बहुत नॉर्मली आपका कैरेक्टर इस तरीके से जमीन में गिर जाएगा। इसके बाद जो हमने ईजेट गिफ मेकर से जो गिफ इफेक्ट बनाया था ना फियर का, उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इधर देखो नीचे लोगो है, देख रहे हो, इसीलिए मैंने इसे नीचे से खाली रखा था, क्रॉप कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से ब्लेंडिंग में जाएंगे और इसके जो ब्लैक कलर का स्क्रीन है इसे हम स्क्रीन कर देंगे, तो ये ब्लैक कलर का स्क्रीन गायब हो जाएगा। अब हमें अपने कैरेक्टर के बॉडी के साथ साथ इसे ऐड करना है, तो ध्यान से आप लोग देख के कर लेना, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसीलिए हमने स्क्रीनशॉट लिया था ताकि हम परफेक्शन के साथ इस वाले इफेक्ट को कैरेक्टर के बॉडी के साथ ऐड कर सके, ठीक है। तो इसे छोटा बड़ा करके आप लोग अपने हिसाब से देख लेना किस तरीके से ऐड करना है, लेकिन इसे ना थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए ही हमें ऐड करना है। जैसे ही कैरेक्टर का बॉडी मूवमेंट चेंज होगा हमें इसे हाइड कर देना है, मतलब कि इसे काट के गायब कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे ऐड कर चुका हूँ और ये गिफ है तो हम कितना भी खींच के इसे लंबा कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान से देखना मैं कहाँ तक इसे ऐड करूँगा, ठीक है, जहाँ तक हमारा कैरेक्टर का बॉडी हिलेगा नहीं। यहाँ पे देख रहे हो ये बॉडी नहीं हिल रहा है ना, ये देखो जहाँ से हिलना शुरू हुआ ना वहाँ से हम कट लगा के हटा देंगे, क्योंकि जैसे ही कैरेक्टर का बॉडी हिलेगा ना तो वो बॉडी के आगे या पीछे आ सकते हैं, इसीलिए जहाँ तक इसका बॉडी शेक हो रहा है वहाँ तक ही हम इसे ऐड करेंगे। जैसे ही बॉडी का पोजीशन चेंज होगा इसे हम आउट एनिमेशन फेड कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये इफेक्ट कैरेक्टर के बॉडी के साथ अच्छे से मैच कर रहा है। अब जैसे ही बॉडी का पोजीशन चेंज होगा ना ये इफेक्ट जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने आउट एनिमेशन को फेड किया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप चाहो तो चुड़ैल या फिर भूत का किसी का भी कैरेक्टर ऐड कर सकते हो जिससे आपका कैरेक्टर डरेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाला चुड़ैल ऐड किया है, ठीक है, ये वानिया टीवी का कैरेक्टर है तो मैंने इस वाले चुड़ैल को यहाँ पे ऐड किया। आप चाहो तो किसी और जो चुड़ैल या फिर भूत को भी ऐड कर सकते हो, बाकी प्रोसेस सारा का सारा यही रहेगा। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना।